आपकी नोट की बहुत थैंक्यू मैम ऑन स्टेज। और ये किस्से और कहानियाँ के जो मतलब सिलसिले शुरू हुए, तो आई रियली वुड लाइक टू वांट टू यू नो कंटिन्यू दैट एंड स्टार्ट विद समथिंग। अगर मैंने तो कहीं सुनी कहानियाँ जो है मम्मी पापा से मुझे सुना है, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग। रफील माने कैसे हो बेटा, कैसे हो? आई सो हेटेड एज अ किड। Then I remember mom giving me an idea and said, "Beta, jab bhi Sharma ke line aap baal mein tel laga ke beta." Tries to sit with a lot of oil and then he, over two or three rounds, he stopped kind of doing that to me. So, lovely hearing these stories and Tanuja sent me this book last month and I ended up reading it and actually it took me back to my Nagpur days. I grew up there and lots of amazing small town stories and you collected from my mom. Yeah, yeah. And she was a whole family of writers from Kamnaji to Vikram to Tanuja to Anu to Nausuni. So I'm glad there are so many writers, so these kind of these stories get collected because aap aise anecdotes to hamesha sunte ho, aap jao apne shehar mein koi kahaniyan sunte ho. But these are like observe, lot of observations of life jo pahunchte nahi. So finally this book I actually found ki these are really great observations of life जो हमने सुने हैं, उसमें शायद कभी थोड़ा मसाला भी लगा दिया गया है, because everybody is a storyteller. So as they say, never let truth come in the way of a good story. So लगा के वो, so I was really happy hearing this all these stories and. You know, but when you say that masala. पास होती है ना, जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन पास होती है, तो वो लिखी तो ही नहीं आदमी सुना रहे हैं, फिर बबली किसी और ने किसी को सुनाया, तो उसमें लगता ही जाता है। आई विल टेल अ स्टोरी अबाउट माय चाइल्डहुड। इवन स्कूल एंड यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल कॉलोनी कॉल्ड विजयनगर, तो हम लोग सारे बच्चे पैसे इकट्ठा करके एक फेयर कंडक्ट करते थे, तो वो फेयर में पंडाल लगाया जाता था, कुछ टेबल कुर्सियाँ आती थी, तो जब हो जाता था तो रात को हमको रहना पड़ता था, वो सामान सुबह जाता था वापस। पंच ऑफ एट टेन के सो रात को सोते नहीं थे, अब क्या करें, मस्ती है, विश टू टेक दैट। एक साल मुझे याद है, मैंने वहाँ टेबल की जो वाइट चादरें थी वो उठाई एंड वी बेट एंड स्टूड ऑन रोड, कच्चा रास्ता था, ये भूत बन गया एंड वी स्टूड देयर विद द इंटेंशन ऑफ स्केयरिंग पीपल। तो कोई एक आदमी जा रहा था साइकिल में, तो हमने ऐसे भूत बन के धीरे से रोड क्रॉस किया और वो यू टर्न मार के भाग गया वहाँ से। फिर कोई स्कूटर पे आ रहा था, दिस मस्ट बी 3-4 इन द मॉर्निंग, दूसरा भाग गया। थोड़ी देर बाद देयर वाज अ नर्स, देयर शुड बी हॉस्पिटल देयर, उसकी आई थिंक देयर वाज अ नर्स वाज डूइंग फॉर मॉर्निंग ड्यूटी, तो वो जा रही थी, उसका हस्बैंड उसके साथ था, उसको छोड़ने जा रहा था। अब दे मस्ट हैव बीन गोइंग दैट रोड एवरी डे, दे वर नॉट स्केयर्ड, दे भूत भूत कहां। तो आई रिमेंबर मेरा फ्रेंड, उसने ऐसे चादर डाली और ऐसे ऐसे करके उसने क्रॉस किया, सो दैट गाय जस्ट लुक्ड एट हिम, उसको लगा ये डरा नहीं है, वो फिर आगे भागा, फिर से उसने रोड क्रॉस किया, उसने फिर उसे एक लुक दिया, फिर इसने आवाजें करनी शुरू कर दी, उसको डराने की कोशिश की, दैट गाय गॉट इरिटेटेड एंड ही रैन बिहाइंड, सो इट वाज अ साइट टू वॉच कि भूत भाग रहा है, उसके पीछे आदमी उसको चेस कर रहा है, ही चेस्ड हिम टिल गाय जंप्ड हिज घर का दीवार और गायब हो गया। बट द स्टोरी बिगिंस नाउ कि दो दिन के बाद आई वॉज इन द हाउस और I still remember the name, Thapar aunty. She used to be there. Thapar aunty came home and she was sitting with my mom. And she's telling my mom, Babi ji, aapne suna wo, yahan ek lady ka bhoot spot. Raat ko ek bhoot aata hai. Aur kahani can't start hoti pata. And she was saying, aur Babi ji, unki taang jo hai na, uski wo ulti hai. And I was scared, I was standing behind, ki ye pata lag jaye ki hum logo ne kiya raat ko. Ek hafte baad, there was another aunty, who came and said, अभी जी पता है वो भूत स्पॉट हुआ, उसकी टांगे उल्टी है और उसकी शक्ल नहीं है, सिर्फ ऐसा पल्लो ऐसा आता है। सो ओवर वीक्स आई कुड सी द सेम स्टोरी गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग। बाय द टाइम आई थिंक इट बिकेम कि वो एक लेडी थी जिसने कुछ सुसाइड किया था, वो उसकी आत्मा है जो भटक रही है। तो आई थिंक दैट्स द ग्रेट पार्ट ऑफ स्टोरीज, नेवर लेट ट्रुथ कम इन द वे ऑफ इट। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर योर
Yeah, my dad came and yeah, he was 14 years old during partition when he came from a place called Nawabshah. हाँ तो साइकिल देखी नहीं थी उन्होंने तो स्टोरी क्या थी हाँ साइकिल देखी नहीं थी वाज वेरी अम्यूज्ड एंड ही केम टू अ रेफ्यूजी कैंप विच वाज नियर आगरा नियर फिरोजाबाद सो ही टोल्ड मी दैट ही यूज्ड टू एक्चुअली साइकिल फ्रॉम फिरोजाबाद टिल आगरा टू वॉच अ फिल्म एंड नहीं 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 दूसरी कहानी सॉरी नो नो साइकिल actually, there's a story which we've used in a film. Yeah, if you remember, Munna Bhai MBBS, उसमें जो सुनील दत्त साहब का पहला सीन है, वो ट्रेन से उतरते हैं और एक पिकपॉकेट उनका पैसे चुरा लेता है और फिर वो उसको पब्लिक से बात करके उसको छुड़ाते हैं. वो actually it got inspired from my dad's story. Again, I was very young and नागपुर बहुत छोटा शहर था उन दिनों में. तो my dad used to run a typewriting institute. And one gentleman came to his office and he said ki, and he started speaking in Sindhi, which is what my which was my mother tongue. So उन्होंने कहा कि मैं रायपुर से आया हूँ और मेरी कपड़े की दुकान में शॉपिंग के लिए आया हूँ और मेरे पैसे चोरी हो गए, जेब कट गई, तो आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिए, मैं जाके वापस कर दूँगा. He was a good looking guy and he seemed honest. और वो एक कम्युनिटी फीलिंग बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी हम दोनों में. कहा यार यहाँ हमारी कम्युनिटी का आदमी है. डैड ने निकाल के 2000 रुपये दे दिए उसको, जो उन दिनों में अच्छी खासी रकम थी. शाम को हम लोग घर में बैठे थे तो मेरी बुआ का लड़का आया और ही स्टार्टेड सेइंग ही वाज अ लॉयर. इसके बाद मेरे ऑफिस में आदमी आया, उसका जेब कट गई थी, रायपुर से है, तो 2000 रुपये मांग रहा था. सो माई डैड डिस्कवर्ड कि ये तो ऑनेस्ट आदमी नहीं है, कुछ फ्रॉड करके मेरे पैसे लेके चला गया. सो फिर कुछ लोग को फोन लगाया तो पता लगा 2-3 लोगों के साथ किस्सा हुआ था. सो नाउ ही वाज नेवर द वन टू गिव अप. ही गॉट अप 5 इन द मॉर्निंग एंड ही, और उन दिनों बड़ी कम रहने की जगह कुछ लॉजेस हुआ करते थे जहाँ रोज लोग रहा करते थे. तो ही डिसाइडेड टू गो टू एवरी लॉज एंड चेक कहीं तो मिलेगा. तो एक लॉज में गए, इस नाम का आदमी है, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने डिस्क्राइब करना शुरू किया. तो सेकेंड लॉज में उनको मिल गया उस डिस्क्रिप्शन का आदमी, राकेश मजुमदार इन्वेस्टिगेशन. So he caught him and got him home. अब घर आके उन्होंने उसको डांट लगाई कि ऐसा क्या क्या, तुम समझते नहीं हो कि हमारी कम्युनिटी का नाम खराब होता है, आप ऐसा करोगे तो सारे लोग. अब पूरा लेक्चर तो दे दिया, उसने पैसा खर्चा कर दिए थे, पैसे मिलने नहीं थे. Now he didn't know what to do with him. He didn't want to take him to the cops. He still that attachment was there कि यार ये हमारे हम लोगों में से एक है. So he took him to there used to be a bunch of eminent Sindhi people, panchayat कहा जाता था, Sindhi panchayat. तो वो सारे लोग मिला करते थे संडे को सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो ही टुक हिम टू दैट मीटिंग एंड आई रिमेंबर एज अ किड गोइंग विद हिम. तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि इसने मेरे 2000 रुपये ले लिए हैं और मुझे पता नहीं कैसे इससे वापस लूँ, आप बताइए क्या करना है इसका. सो उसमें से कोई ट्रांसपोर्टर था उन लोगों में से, किसी का थिएटर था, किसी का. तो वन गाय गॉट अप एंड स्टार्टेड बैशिंग अप दिस थिंग, बहुत उसको मारने लगा. सो डैड स्टॉप्ड हिम एंड ही सेड कि देखिए मार तो मैं भी सकता हूँ इसको, और उससे सोल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, आप समझाइए मुझे कि करना क्या है इसका, क्या करें हम लोग. तो ही सेड नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए इसको, हमारे वाले कर दिया, हम देते हैं आगे नहीं स्टार्ट हिटिंग. सो डैड गॉट वेरी एंग्री, ही पुश दैट गाय अवे एंड ही टर्न टू द थीफ एंड ही टोल्ड हिम कि तू बड़े बेवकूफ चोर हो, ये देखो ये सारे जो लोग बैठे हैं ये सब चोर है, कोई इंश्योरेंस की चोरी करता है, कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है, कोई ये चोरी करता है, चोर बनना है तो ऐसे बनोगे तो मार खाते रहोगे. देन ही टुक हिम बैक, वी वेंट टू द रेलवे स्टेशन, ही बॉट हिम अ टिकट. Ordinary people's stories just get lost along the way and they're just never heard. Barely, like what a beautiful story of wisdom your father's told. You know, it's a lovely story. It got recorded because you're a filmmaker. You know, otherwise it wouldn't have. So I think it's really important. First of all, I think that's why stories used to always be retold and told again and again. And so that this, the culture of storytelling, which teaches us so much, continues and goes on. You know, so I think it's really important for us to continue to always tell stories. And, you know, छत का एटमोस्फियर जो भी, अब वो है कि नहीं है पता नहीं.
सब पे सोना भी और लग रहा है, और लग रहा है, ताली गिना करते थे, got no stars from that. But what is interesting about your book is, so you told me that you've not really lived there, been brought up, but it's managed to capture the, okay, the smell, the essence of that place. And you read that, I feel that I've lived that life. Anyway, of course, I'm not that old. Nanos has got extremely people I arrived. But I could feel that period, I could feel those stories, whatever you want. और दो टिकटें थी बॉबी फिल्म की,
सेड कौन सी थिएटर की? ही सेड सर्वर स्टेट होगी. अच्छा कितने बजे का शो? छः. आपको टिकट नंबर याद है? ही सेड हाँ वो वट एवर नंबर मस्ट हैव बीन टोल्ड हिम द नंबर. तो ही सेड अच्छा चलो ट्रस्ट मी वी वेंट टू द थिएटर. बॉबी फिल्म वॉज सो मच इन डिमांड. वो चोर बेचारा फिल्म देखने पहुंच गया था. And he got caught. He got caught. I saw the film 15 minutes later, but I saw the film. बहुत प्यारी सी किताब लिखी है तनुजा चंद्रा ने. उन्होंने मुझे भेजी थी पढ़ने के लिए और मैंने पढ़ी और वो मुझे ले गई अपने बचपन के दिनों में. जो छोटी छोटी मोटी कहानियाँ जो आप अपने माँ बाप से, मामाओं से, बुआओं से, अपने परिवार से सुना करते थे, उस किस्म की ये कुछ उत्तर प्रदेश की कहानियाँ हैं. तो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी है. तो आज उन्होंने बुक लॉन्च किया एंड आई थॉट शुड बी हियर. Storytelling. Yeah. Also, we heard your anecdotes. You were sharing about your childhood, yeah. And even Abhijat did the same. Should we believe that almost all these films that you guys have written have had a lot of personal touch, a lot of personal experiences being translated on screen? See, whatever you make, eventually has to come from something either you've experienced or you've read or you've seen. So, I think every creation is from your memories. So Abhijat and me specially choose to kind of pick up some memories, pick up some real life incident, and of course modify it. So yes, whatever Abhijat narrated or we've usually picked up from our lives and kind of modified it to suit the film. किताबों से आपका कितना लगाव है, आपका जुड़ाव? नहीं नहीं किताबें तो जान होती हैं, किताबों से बड़ा लगाव है. और तो सो नहीं सकता किताब के बिना, चाहे 10 मिनट ही पढ़ूँ रात को, पर एक किताब तो पढ़नी पड़ती है. और मुझे थोड़ा लगता है कहीं कल्चर को ख़त्म होता जा रहा है आजकल, मगर आई थिंक बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड बुक्स आर द बेस्ट वे टू गेट नॉलेज, गेट स्टोरीज, गेट टू नो द वर्ल्ड. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन तनुजा मैम्स बुक एफर्ट्स? दिस बुक, आई एज आई सेड शी सेंट मी द बुक लास्ट मंथ एंड I read about, I think, 3 or 4 stories. I've been shooting, so I couldn't finish the book. But those 3 or 4 stories were so fascinating that I remember tweeting about it immediately. And that's how Tanuja called me, said, can you come and, you know, be here today. So it's a fantastic book. Spy, when are we wrapping the film up? I mean, is it over or? We've finished about 60% of the film is done. And we're starting a schedule now. So by mid-June, or even before, we would have done most of it. There's one schedule left in New York then. अरे वो बड़ा आउट होनी नहीं चाहिए थी वो पिक्चर्स, बट हम लोग काटर रोड पे शूट कर रहे थे, आप लोगों ने किसी ने एक फोटो लेके डाल दिया.
पर आई एम वेरी हैप्पी, बड़े खुशी से बन रही है फिल्म. और जब फिल्म खुशी से बनती है तो अच्छी बनती है, और वो कहानी कमाल की है तो मज़ा आ रहा है बनाने में. और रणबीर आई थिंक नहीं, टाइटल अभी तक लॉक नहीं हुआ है, बट हो जाएगा, फाइनली होगा. नहीं देखिए, बुक प्ले और फिल्में इतनी अलग किस्म की राइटिंग है. बुक में आप बहुत एक लाइन में आप कुछ बोल सकते हो कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, हो गया, व्यूअर ने बिलीव कर लिया. सिनेमा में आपको उसके लिए एक स्टोरी बनानी पड़ती है, किसका बटुआ गिर गया उसने उठा के लौटाया, तब आपको समझ में आता है कि कैरेक्टर उठ के नहीं बोल सकता ईमानदार आदमी, बोरिंग हो जाता है. तो तीनों अलग किस्म की राइटिंग है, पर तीनों एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं. कई बार आप प्ले से फिल्में बनाते हो, कई बार लोग फिल्मों के प्ले बनाते हो, कभी आप बुक से फिल्में बनाते हो, प्ले करते हो, तो कंटेंट तो होता है मगर फॉर्मेट्स अलग हैं सबके. मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका